एरर टूटेगा का ट्रेलर लॉन्च है और म्यूजिक लॉन्च भी है, थोड़ा सा बताइए क्या फिल्म में होने वाला है, क्या कुछ नया होगा फिल्म? ये फिल्म एक अलग पृष्ठभूमि में बनी हुई है और एक अलग सोच है जो हमारे राइटर नवनीत श्रीवास्तव जी ने, तो तमाम भूमाफियों पे या आतंकवाद पे एक्शन पे मूवी बनती रहती है, तो आज हमने जो प्रेजेंट किया है एक बिल्कुल अलग किस्म का, दर्शक को इसमें बहुत कुछ मिलेगी जो अपने अंदर आम जीवन में जी रहे हैं वो देखने को मिलेगा। आज बहुत खुशी है मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये इस मौके पे आज म्यूजिक लॉन्च हो रही है, हमारा इसरार भाई इसके लिए बहुत ही मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, राजू सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऑल टीम जिसने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाया उनका सबका तहे दिल शुक्रिया करता हूँ, चाहे मैं DOP हूँ चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो सभी लोगों का सहयोग से और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे तो बस आप लोग से अपेक्षा है कि इस फिल्म को जरूर देखें और विश्वास है कि हिट भी करेंगे। आप स्टारकास्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा सा अगर उनके बारे में बताना चाहे आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? स्टारकास्ट तो हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया, मैंने जैसे बोला वैसा उन्होंने काम किया, न्यू स्टारकास्ट के साथ कभी काम किया मैंने कुछ, जो आर के यादव जी मनोज बख्शी जी स्टारिंग जो इंट्रोड्यूस किया मैंने मनोज श्रीवास्तव जी को और जसप्रीत पुरथी को, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत दिल से काम किया और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ और दुआ करता हूँ कि ये हिट भी हों और साथ में इस पिक्चर का जिस पे मैं जो बैलेंस है जो इनका कंधा है जिस कंधे पे मैं चलने वाला हूँ इस कंधे को आपका सहारा चाहिए, आप जो हमारे जो दर्शक हैं हमारे ऑडियंस हैं हम इनसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप लोग एक्सेप्ट करिएगा, देखिएगा कि हर चीज़ परिवर्तन आती है, एक नया आज होता है और कल वही पुराना होता है, तो उस पुराने के लिए आज हमें नए का साथ देना होगा, एक बदलाव चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, थोड़ा सा बताइए म्यूजिक किस तरह का होगा फिल्म का म्यूजिक हमने आज के ट्रेंड के हिसाब से जो कि जो हमारी फिल्म है उसमें जो पहला हमने टाइटल सॉन्ग दिया है उसमें हमने दिखा दिया है कि फिल्म में है क्या, फिर दो गाने हमारे लव सॉन्ग्स हैं जिसमें एक हमारा सैड सॉन्ग है जिसे आकृति मिश्रा ने गाया है जिया चोरी चोरी जले हैं, और दूसरा गाना है जो हमारे रत्नेश जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उसको कंपोज़ किया, बहुत ही प्यारा कंपोज़ किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रत्नेश जी का, आकृति मिश्रा ने उससे भी अच्छा गाया है और जो फील दिया है फिल्म में अंदर हमारे आर्टिस्टों ने उसमें चार चांद लगा दिया है, ये हमारा अपना है, बाकी चार चांद तो आप लगाएंगे हमारी पब्लिक लोग, और जिसके लिए आकृति मिश्रा और के रत्नेश और साथ में जो हमारा टाइटल सॉन्ग किया है अनुपम गुलवाड़ी ने उनका मैं तहे दिल शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अच्छा चीज़ दिया मुझे जो मैंने प्रेजेंट किया आपके बीच में। तो ये फिल्म का शूट कहाँ पे हुआ और कब ऑडियंस देख पाएगी? ये फिल्म हमने UP बेस्ड पे रखा है और हमारा ये बालू माफियाओं में लेकर के चली ये फिल्म UP इलाहाबाद प्रयागराज जो कि अब हो चुका है हमारे जहाँ के हम सब वासिंदे हैं जहाँ माँ गंगा बहती हैं उनकी बहाव को लेकर के हम इस फिल्म को पूरी दुनिया में लेकर आ रहे हैं और हमारा लोकेशन इलाहाबाद प्रयागराज है, हमने कुछ गानों के सीन्स हमने मुंबई के सराउंडिंग अलीबाग है उधर भी शूट किया है और अच्छे प्रयास किया है कि आप सबको पसंद आए, छोटी सी भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है अगर आप दिल से देखना चाहें तो। फिल्म कब रिलीज होने वाली है, कब देख पाएंगे? फिल्म हमारी 6 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है जिसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे भाई नुमा बड़े भाई हैं इसरार भाई, पिछले कई वर्षों से संबंध रहा है और उन्होंने सिर्फ देखा और हमारा चेहरा देखा कि नहीं राकेश अच्छा है कुछ होना चाहिए, तो आज लगभग ये ऑल ओवर इंडिया 300 से लेकर 350 तक स्क्रीन पर लेकर हम आ रहे हैं, आज ये म्यूज़िक लॉन्च भी हो रहा है तो हम उन्हीं के बदौलत हो रहे हैं, हम तो कुछ नहीं हैं एक छोटे से प्यादे हैं, उस पर जो बल दे मिल रहा है तो उसमें इसरार भाई और सबसे सुपर 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 जिसका नाम लेना अगर नहीं लूँगा तो कहीं ना कहीं दिल में मुझे कसक रह जाएगी, फुल सपोर्ट जो आज बॉम्बे में मैं सब कुछ दे रहा हूँ लोगों को वो है हमारे राजीव सिन्हा जी आकृति सिन्हा जी और मैं उनका सवारी हूँ कि इस फिल्म में बहुत सारी जो चीज़ें मिली जो चीज कमियाँ थी उनको बहुत अच्छा देकर दिया है तो राजीव सिन्हा सर। थैंक यू सर ओके थैंक यू सो मच प्लीज आप सब अपने किरदार के बारे में बताइए और क्या तैयारियां करनी पड़ी अपने किरदार को देखिए। देखिए चूंकि इस फिल्म का मैं राइटर भी हूं तो बहुत अच्छे से इस किरदार को मैंने बुना पहले तो एज अ राइटर
और जब मैंने बहुत अच्छे से बुना तो इसने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया इस किरदार को करने में। मैंने इसको पूरी तरह से कहानी के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब राकेश श्रीवास्तव जी का भी बहुत अच्छा दिशा निर्देशन रहा है, अच्छा डायरेक्शन उन्होंने दिया, और मुझे हमेशा बताते रहे कि किस लिमिट्स के साथ काम करना है, क्योंकि मैं ये मेरी पहली फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि न्यू कमर्स के नाते मुझे भी थोड़े कुछ हिकअप्स थे, थोड़े कुछ अपने प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक वो बहुत कंफर्ट लेवल दिया कुल मिला के, मुझे कहने का मतलब है, इसलिए मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। बहुत नेचुरली इसको हमने कोशिश की है और बड़ा मैवरिक है ये मेरा परफॉर्मेंस एज फार एज मैं अपने लिए कह सकता हूँ। और इट मे मतलब इट सीम्स टू बी कि आई वुड हैव कॉपीड समवन, बट इट्स डेफिनेटली मैवरिक एंड इट्स माइन ओनली दैट आई वुड लाइक टू से। ऑल्सो आप राइटर भी है और एक्टिंग भी कर रहे, कितना चैलेंजिंग था दोनों पार्ट में एक साथ काम करना? डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक इट इज चैलेंजिंग, बिकॉज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी आर्टिस्टिक वर्क, वेदर इट बी द राइटिंग और एक्टिंग, आई थिंक इज द इमोशंस बिहाइंड दैट आइडिया एंड प्रोजेक्ट। तो मेरे पास वो इमोशंस थे, रॉ इमोशंस थे, जिनको मैंने यूटिलाइज किया पहले राइटिंग में और उसके बाद एक्टिंग में, और इसके लिए मैंने अपने आप को थोड़ा अलूफ भी रखा फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था अक्सर कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ये मुंबई के इस भीड़ भाड़ में कैसा ना हो, मैं कहीं मुझे भी एक लेयर हो कि मैं ये कॉपी कर लूँ, ये अच्छा है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा चुरा लूँ, यहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर हो जाऊँ। तो इसके लिए मैंने अपने आप को अलूफ रखा, और मैं समझता ये मेरा बहुत बड़ा एक डेडिकेशन है इस प्रोजेक्ट को। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे फिल्म हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन पैक होने वाली है, म्यूजिक फिल्म का किस तरह का होगा? म्यूजिक हमारा बड़ा एक रोमांटिक भी है, एक सैड सॉन्ग है और बड़ा मार्मिक सॉन्ग बना है, अभी आप लोग सुनेंगे। और राकेश जी हैं हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, और बड़े शुरू से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और गाने बहुत अच्छे बने हैं। फर्स्ट क्लास। कुल मिलाकर कितने गाने होंगे फिल्म में और किस तरह से, मतलब कौन सी सिचुएशन? गाने तो तीन गाने हैं इसमें, दो गाने हमने बनाए हैं, और सिचुएशन अच्छे, एक सैड है, एक रोमांटिक है। लास्टली डायरेक्टर की, डायरेक्टर का आपकी तरफ से क्या ब्रीफ था म्यूजिक को लेकर, अगर थोड़ा बहुत बताया? बस ये 2 बजे रात को फ़ोन करते हैं मुझे, सोने का जब वक्त होता है तो ये जगे रहते हैं, और उसमें सिचुएशन नींद में कैसा लगता है, ये जगे रहते हैं, संगीतकार सो रहा है, तो उसमें ये बड़ा खूबसूरत मुझे समझाते हैं। और मेन वर्क करना है, थॉट क्या है और खूबसूरत क्या है, और कुछ पर्सनल बात मैं बताना चाहता था कि मुंबई जब मैं आया था तो सबसे फर्स्ट एक ऐसे ग्रेट इंसान से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम दिलीप सेन है, बैठे हैं सर, मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप आ जाए यहाँ पर आशीर्वाद के तौर पे। मैंने आप बैठे ना रितनेश जी, जब ये आज से पहले मेरा ख्याल से मेरा टाइम ठीक था, बहुत बहुत अच्छा टाइम, ठीक पीरियड में थे हम लोग उस वक्त, समीर अंजान जी ने मेरे पास इनको भेजा था, तो कहा था कि बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अच्छा संगीतकार बनेगा। तो ये आप सोचिए कि राइटर मेरे पास लाता है म्यूजिक डायरेक्टर को कि आप आशीर्वाद दो, तो यकीन मानिए हमारा परिवार हमेशा रहा है कि सबको दुआएं दे और सबको आगे बढ़ाए, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि किसी की बापूती नहीं होती, इसे जो करेगा वो आगे अपने आप बढ़ेगा। अरे रितनेश ने बहुत प्रूव किया, और आज बड़ी खुशी की बात है मेरे को कि मेरे सुपरस्टार के लिए मुझे बुलाया गया, और इन्होंने आज मेहनत करके खुद अपनी मेहनत से इस मुकाम पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और ये एक दायरा, ये जो टाइटल है, अभी दायरा और टूटेगा जो भी है, अब हर दायरा टूटेगा। तो ये दायरा मेरे पिताजी की एक फिल्म थी 53 में जो कमाल अमरोह साहब ने बनाई थी, उसी चीज़ से दायरे को जो अब हर एक दायरा टूटेगा, बड़ा अच्छा टाइटल है, और जिस हिसाब से आप कर रहे हैं तो ये फिल्म तो बहुत अच्छी बनी, क्योंकि आजकल मैंने ये महसूस किया है
स्टाइल नहीं चलती है, कहानियाँ चलती हैं, मेकिंग चलती है अगर, क्योंकि जिस हिसाब से ऋषभ साहब फिल्में चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। और म्यूजिक तो मैंने डाल लिया, स्टार में दिया है, तो मैं इसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आप लोगों से भी ये कहूँगा, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे चाह करते हैं, तो मेरे बच्चे के लिए मैं जरूर वही गाना गाऊंगा जो मैं हर बड़े स्टार के लिए गाता हूँ। बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, तू हो शाम, इतने आई लव यू, यू लव मी। जय बहुत बहुत तुम्हारे भी को, और ईश्वर इनको बहुत आगे बढ़ाए। एक मेरी चुपा है, थैंक यू, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फोटो खींचा तुम लोगों ने? माय नेम इज जसप्रीत कौर, आई एम एक्ट्रेस एंड मैं इस मूवी में काम कर रही हूँ, अब हर दायरा टूटेगा। सो इसमें हम लीड कैरेक्टर का काम कर रहे हैं, लीड एक्ट्रेस का काम कर रहे हैं। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मिस्टर राकेश श्रीवास्तव जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, और मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक जो भी हमारे जो DOP है या एंटायर टीम अब हर दायरा टूटेगी की, जिसने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, बहुत मुश्किलें आई है इसमें, बट हमारी मूवी आज बन चुकी है एंड सक्सेसफुली ये रिलीज़ भी हो रही है। सो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज जब हम यहाँ लॉन्च पे हैं म्यूज़िक के, तो इतने सारे लोग आए हैं, इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड बहुत खुशी हो रही है कि हमारी लाइक मूवी रिलीज़ हो रही है, और वो भी एक हिंदी फीचर फिल्म रिलीज़ हो रही है। सो एक जो ड्रीम होता है एक बंदे का, वो आज पूरा होने जा रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। हाँ जी, आई एम बेसिकली इसमें तो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये एज यू नो की एक्शन मूवी है। सो इसमें जो हमारा रोल है काफ़ी जो लीड हीरो है उनसे, इट्स लाइक इट्स रोमांटिक लव लव ट्राइंगल है बेसिकली, तो रोमांटिक लव ट्राइंगल है। और बहुत कुछ है इसमें, थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ी सी मस्ती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं सब बता दूँगी तो वो एसेंस ख़त्म हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग सारे थिएटर में जाए और इस मूवी को देखें और हमें रिव्यू दें कि आपको हमारा रोल कैसा लगा इसमें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा यू नो वो हमें एक अच्छा रिव्यू मिलेगा कि हमें। मैं बेसिकली पुणे से हूँ, और पर मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है पूरी कनाडा से कंप्लीट करी है, तो मैं मैक्सिमम टाइम कनाडा रह चुकी हूँ। मैं कनाडा न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में ऑलमोस्ट 6-8 साल में हुई थी, और अभी वहाँ से हम डायरेक्ट मुंबई आए हुए। और जैसे मुंबई आए तो मेरा इंटरेस्ट जो पहले से बॉलीवुड में था, हमने यू नो आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड मैंने मिस इंडिया भी जीता था। सो काफ़ी कुछ किया है अभी, और अभी हमारी बैक टू बैक आई थिंक सो और एक हिंदी लाइक दो हिंदी फीचर फिल्म्स, एक मराठी फीचर फिल्म रिलीज़ हो रही है, और अभी करंटली हम दो तेलुगु मूवीज भी कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी, एनीथिंग इफ यू गाइस वांट टू आस्क। फिल्म में हीरो के साथ काम करना आपको कैसा लगा? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है अपने एक्टिंग पर। तो हीरो कोई भी हो, एक्टर कोई भी हो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज मुझे अपनी एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर जो सामने वाला है वो हमें प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारे अपोजिट में कौन है, दैट रियली डज नॉट मैटर एक्चुअली। म्यूज़िक अभी तक जो फ़िलहाल जो म्यूज़िक हमने सुना है या जिसमें हमने पार्ट लिया है, दैट इज़ रिसेंटली गुड। सो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सो आई होप दैट दिस मूवी यू नो गोज़ इन द थिएटर एंड पीपल वॉच एंड गिव अस सम गुड रिव्यूज़ अबाउट इट। थैंक यू।